हेलमेट 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 कहाँ है? हाँ निकालो पहनो, ना मिरर है ना कुछ है। अरे कहीं भी जाना हो ना, आप हाईवे पे चला रहे हो, हेलमेट पहनो नहीं तो फाइन लगा दूंगा मैं। हेलो गाइस, तमे केम छो? मैं हूँ हर्षद, आप सभी का H&M व्लॉग में स्वागत है। तो फिर निकले हैं आज ऑफिस के लिए, थोड़ा बहुत काम है, काम निपटाते हैं और फिर देखते हैं रोड रेंज में क्या मिलता है। देखो पहले ही मिल गए अभी तक तो नाम भी नहीं लिया, अभी तक तो मिलने भी नहीं, विदाउट नंबर प्लेट विदाउट हेलमेट क्या बोले, समझ में नहीं आता है इन लोगों को। पता है कि कोरोना काल में एकदम टाइट हो चुका है, मतलब कुछ भी हो अपने सेफ्टी के लिए तो एटलीस्ट हेलमेट पहनना चाहिए ना, मगर नहीं लोगों को तो हेलमेट पहनना ही नहीं है। क्या बोलेगा इन लोगों को, देखो MH04EE8312। बोल के भी मतलब नहीं है, ना हेलमेट पहनेंगे ना कुछ, बस यूं ही चलते रहो चलते रहो। अकल घुटनों में इन लोगों को, देखो ये काका शहर लॉकडाउन लगने की तैयारी हो रही है। कल उद्धव ठाकरे जी माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन होने की आशंका है, इससे घबराना नहीं है। हेलमेट पहन लो ना, पहन लो पहन लो। थैंक यू, कुछ लोग समझते हैं। हेलमेट पहनने में जाता क्या है इन लोगों को, समझ में नहीं आ। जितना होगा उतना बोलने की कोशिश करेंगे, बड़े शायद दिल्ली हो गए बोलेंगे।
बढ़ते जा रहे हैं आपके साथ, जितने पहले नहीं थे उससे ज़्यादा आप बढ़ रहे हैं। अगर अब लॉकडाउन लगेगा तो काफ़ी लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। वो हिसाब से कुछ मोर्चा भी चल रहा है, तो वो हिसाब से उद्धव ठाकरे जी ने अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के लिए ना बोला है, बट टाइमिंग कर दिया है 6 बजे का, पहले 8 बजे का था, अब 6 बजे का कर दिया है। देखते हैं लॉकडाउन लगता है या नहीं। और एमपी साइड में कोई है मेरे सब्सक्राइबर तो कृपया करके हमें बताए, तो शायद मैं एमपी साइड में आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो वहाँ पे कोरोना टेस्ट तो करवा के ही निकलेंगे हम लोग। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कोरोना का टेस्टिंग रिपोर्ट लेके ही हम निकलेंगे, हमें जाना है एमपी में, क्योंकि इंदौर जाने का इरादा है। इंदौर में कहाँ जाऊँगा ये तो सस्पेंस है, ये तो आप ही गैस कर लो और कमेंट करके बता देना इंदौर में हम कहाँ जाने वाले हैं। सब चीज़ अगर मैं बता दूँगा तो फिर आप गैस कैसे करेंगे, पता नहीं आएगा, थोड़ा बहुत सस्पेंस रहना ज़रूरी है। तो मैंने प्लेस तो बता दी कौन से सिटी में जा रहे हैं, इंदौर सिटी में जा रहे हैं। अब वो आपको गैस करना है कौन से मंदिर में जा रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताना जिसको पता हो, और वहाँ के बारे में रूल रेगुलेशन कैसा है वो भी ज़रा बता देना, तो पता नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और आपने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, HM Vlog Official करके मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपको कुछ डिटेल जानना हो तो डिटेल भी जान सकते हो, और मैं जल्दी ही ये मेरे ये यूट्यूब चैनल पर मुझे गाड़ी का रिव्यू दिखाई देगा वो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ। पहले मैं सोचा थोड़ा किलोमीटर चला लिया जाए, 4 से 5 हज़ार क्या कंप्लेंट है, क्या सही है क्या नहीं है, ओनरशिप रिव्यू दूँगा मैं पूरा डिटेल में, क्या गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, 0 एक्सपेंस चला के ले रहा हूँ। सिटी में भी हाईवे में भी दोनों साइड पूरा अपडेट चलाऊँगा, मैं आपको ओनर से फिर आप बाय कर सकते हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता ना कोई मेरा बाइकर ब्रदर धोखा खाए गाड़ी में से, सो वो हिसाब से मैं पूरा कम्प्लीटली चलाऊँगा, सब कुछ करूँगा, फिर आपको प्रॉपर रिव्यू दूँगा, अगर जो गलत है तो गलत बताऊँगा, सही है तो सही बताऊँगा। ट्रैफिक हमेशा की तरह मिलती हुई हमसे, ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ी। हेलमेट कहाँ है? हाँ निकालो पहनो, ना मिरर है ना कुछ है, अरे कहीं भी जाना हो ना हाईवे पे चला रहे हो ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सीट के लिए, टेक केयर, बाय।